Jesus. अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे कामों के बारे में बताने वाले हैं जो आप अपने घर में ना करवाएं। यानी अगर आपके घर में ये काम करती है कोई औरत तो उन्हें फौरन मना कर दे। तो दोस्तों वो कौन से काम है आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर दबा दे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों गुर्बत एक ऐसी चीज़ है जिससे ज़्यादातर लोग परेशान हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि गुर्बत क्यों आती है, तंगदस्ती और गरीबी क्यों आती है? अगर आप चाहते हैं कि क्या आपके घर में बरकत हो, रिज्क में बरकत हो, घर में सुकून हो, तंगदस्ती दूर हो जाए, गुर्बत दूर हो जाए, तो आप आज से जो भी औरतें हैं जो आपके घर में रहती है, माएँ बहनें बेटियाँ, उनको इन कामों से मना कर दो ताकि आपके घर में बरकत पैदा हो सके। सबसे पहले तो रात में झाड़ू देना, ख़ासकर बहुत सी औरतें रात के वक्त में झाड़ू देती है। जिन घरों में ये काम होता है वहाँ पर बरकत नहीं होती। कुछ लोग झाड़ू का इस्तेमाल नहीं करते, वो कपड़े से सफाई कर देते हैं कि चलो इससे कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप रात के वक्त अपने घर में कपड़े या झाड़ू से सफाई करोगे तो आपके घर में तंगदस्ती आ सकती है। नंबर दो, नंगे सर खाना पकाना। औरतें हमेशा याद रखें कि जब भी खाना बनाए तो अपने सर को दुपट्टे से ढक ले। अपने सर को अच्छी तरह से ढक कर उसके बाद खाना बनाए। नंबर तीन, नंगे सर कपड़े धोना। नंगे सर कपड़े भी नहीं धोने हैं, अपने सर पर दुपट्टा ले ले, दुपट्टे से अपना सर सही तरह से ढक ले ताकि आपके खुले बाल किसी गैर को नज़र ना आए। तो उससे बचने के लिए कपड़े धोते वक्त अपने सर को ढक लेना चाहिए। नंबर चार, नंगे सर बर्तन नहीं धोने चाहिए। आपने क्या करना है कि नंगे सर कभी भी बर्तन नहीं धोने हैं। इस बात का आप ज़रूर ख्याल रखें कि सर को ढक कर बर्तन धोना चाहिए। नंबर पाँच, मिट्टी या चीनी के टूटे हुए बर्तन इस्तेमाल करना। घर में अक्सर ऐसा होता है कि बर्तन टूट जाते हैं और फिर भी उनका इस्तेमाल किया जाता है। घरों में जो बर्तन टूट जाए उनका इस्तेमाल बंद कर दे। नंबर छः, खाने पीने के बाद बर्तन खुले हुए रखना। जब आप खाना खा ले तो बर्तन को ऐसे ही पड़े ना रहने दे, बल्कि उनको उसी वक्त खाना खाने के बाद उठाकर रख लेने चाहिए और उनको साफ करके अच्छी तरह धोकर एक जगह पर रख दे। नंबर सात, टूटी हुई कंघी बालों में इस्तेमाल करना। यानी जो कंघी टूट जाए उसको इस्तेमाल करना बंद कर दे। नंबर आठ, मकड़ी के जाले दूर ना करना। अक्सर घरों में मकड़ी के जाले लगे हुए होते हैं जो नहुसत का बाइस बनते हैं, गुर्बत का बाइस बनते हैं। लिहाजा घर की औरतों को चाहिए कि घर में लगे हुए मकड़ी के जालों को लाजमी साफ किया करे। नंबर नौ, घर में कूड़े को बिल्कुल भी जमा ना होने दे। ये भी एक बेबरकती की बहुत ही बड़ी वजह है। जिन घरों में कूड़ा एक एक हफ्ते तक पड़ा रहता है और उस घर की औरतें सोचती हैं कि चलो दो तीन दिन बाद इस कूड़े को बाहर फिकवा देंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। रोज़ का जितना भी कूड़ा है उसको आप अलग निकाल कर बाहर रख दे ताकि कूड़े वाला आए और वो कूड़ा ले जाए। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूं कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो नाखून काटते हैं, अपने दांतों से नाखून काटते हैं, तो इसके बारे में सख्ती से मना किया गया है। नंबर दस, कैंची से नाफ के नीचे के बाल काटना। ये भी बेबरकती आने की निशानी है और जो लोग 40 दिन से ज़्यादा जेरे नाफ के बाल रखते हैं उनको उतारते नहीं हैं तो उनके घर में भी बेबरकती आती है। नंबर 11, नमाज में सुस्ती करना। नंबर 12, सुबह के वक्त देर तक सोते रहना। नंबर 13, बग़ैर दस्तरखान के खाना खाना। हमेशा दस्तरखान बिछा कर खाना खाया करे, इंशाल्लाह बरकत पैदा होगी। बग़ैर दस्तरखान के खाना नहीं खाना चाहिए। नंबर 14,
किसी भी जायज काम को करने से पहले बिस्मिल्लाह शरीफ ना पढ़ना। जब भी कोई काम शुरू करे तो बिस्मिल्लाह शरीफ लाजमी पढ़े। जायज कामों में बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए। नंबर 15, इसके अलावा झूठ बोलना, जिना करना, गुनाहों में मशगूल रहना, झूठी कसम खाना, नापाकी की हालत में खाना खाना, ये भी बेबरकती में शामिल है और घर में गुर्बत को पैदा करते हैं। जो लोग नापाकी की हालत में खाना खाते हैं, उनको चाहिए कि पाक साफ हालत में गुस्ल करने के बाद खाना खाए। और नंबर 16, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो नंगे सर खड़े होकर पेशाब करते हैं, उनको भी सख्ती से मना किया गया है। नंबर 17, और सबसे ख़ास और बुनियादी बात जिससे बेबरकती आती है वो है गुनाह, क्योंकि गुनाह ही वही बुनियाद की जड़ है जो घर में बेबरकती तंगदस्ती को पैदा करता है। तो दोस्तों, ये वो छोटी छोटी बातें जो ज़्यादातर घरों में होती है और इन पर गौर नहीं किया जाता और ज़्यादातर घरों में ये काम होते रहते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी कमाई में बरकत हो, आपके रिस्क में बरकत हो, मालो दौलत में बरकत हो, घर के हालात बेहतर हो जाए, घर में सुकून पैदा हो जाए, तो ये काम ज़रूर करना बंद कर दे। प्यारे दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं मर्द के 3 काम औरत की ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में एक शख्स आया और पूछने लगा, या अली, वो कौन सा इंसान है जिसके साथ ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है और जो अपने साथ साथ अपने से जुड़े लोगों को भी बेसुकूनी व तजलील देता है। बस जैसे ही ये पूछा गया तो हज़रत अली ने फरमाया, ऐ शख्स, वो इंसान वो मर्द है जिसमें ये खामियां, ये गलतियां मौजूद हो, क्योंकि ये 3 गलतियां उसकी बीवी की ज़िंदगी को दुश्वार बना देगी। पहली गलती कि वो नामहरम को गंदी निगाहों से देखता हो। दूसरी गलती कि वो खुद को हमेशा सही, आला और दूसरों को गलत समझता हो। और तीसरी गलती, वो बात बात पर झूठ बोलता हो। याद रखना, जिस इंसान में ये 3 खामियां मौजूद हो, उसके साथ घूमने वाले रुसवाई और परेशानी का सामना करते हैं। तो वो शख्स पूछने लगा, या अली, मैं उसे एक झलक में कैसे पहचानूं कि किस इंसानों में से ये गलतियां मौजूद है? तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, इस गलती की जड़ खुद को मोहतरम और दूसरों को हकीर समझना है। तुम जब भी किसी इंसान से मिलो, ये देखो कि वो लोग जो हैसियत में उससे कम हैं, उनसे वो किस तरह से मिलता है, और जो लोग हैसियत में उससे बढ़कर है, उनसे वो कैसे मिलता है। मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुना कि इस दुनिया में सबसे अजीम इंसान वो है जिसमें ये खूबी मौजूद हो कि अपने से कम इंसानों को भी अपने सीने से लगाता है, बराबरी का हक देता है, और यही सिफत उसके घर को भी जन्नत बना देती है, ज़िंदगी को रौनक बख्श देती है और आखिरत में भी अजीम इनामात का सबब बनती है। तो प्यारे दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें। अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।